बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग कोरल ड्रा के बेसिक ट्यूटोरियल आपको दिखाएंगे। तो हम लोग आज इसके ट्यूटोरियल में हमको बता आपको बताएंगे कि हम लोग ये टूल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं कोरल ड्रा में। तो ये टूल यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम लोग आएंगे यहाँ पर रेक्टेंगल टूल पर, और यहाँ पर एक ऐसे रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। तो अभी हम आपको बताएंगे कि ये शेप टूल हम लोग कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। ये शेप टूल का काम क्या है, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर ऐसे फोर कॉर्नर्स पर ऐसे पॉइंट आएंगे। तो अगर हम लोग चाहे कि इस कॉर्नर को गोल बनाए, तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करके इसको ऐसे ड्रैग करेंगे। तो हमारा जो ये कॉर्नर है, ये गोल बन गए हैं। और अगर हम लोग चाहें कि इसके जो एक कॉर्नर है, इसको गोल बनाए, तो फिर इसके ऊपर क्लिक करके सिर्फ यही कॉर्नर सेलेक्ट हुआ है, ये बाकी सब अनसेलेक्ट है, और इसको ऐसे गोल बनाएंगे ऐसे। और अगर हम लोग चाहे कि ये कॉर्नर और ये कॉर्नर को गोल बनाए, तो फिर इसके ऊपर क्लिक करके और शिफ्ट होल्ड करके इसका ये कॉर्नर भी सेलेक्ट करें और इसको ऐसे ड्रैग करें। तो देखिए ऐसे एक शेप बन गया है। तो शेप टूल का ये काम था। अभी हम लोग आएंगे इस टूल पर, क्रॉप टूल पर। क्रॉप टूल का काम ये है कि अगर हम लोगों को इसका ये साइड इतना चाहिए और बाकी नहीं चाहिए, तो हम लोग क्रॉप टूल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे करके इसका जो ये साइड है, इसको क्रॉप करेंगे। इसके ऊपर डबल क्लिक करके ये क्रॉप हो गया। अभी आते हैं, और ये जो है ये जूम टूल है। इस जूम टूल से हम लोग जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। और उसके बाद है पेन टूल। पेन टूल से हम लोग बहुत अच्छे शेप ड्रा कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पर क्लिक करने से और यहाँ पर क्लिक करके ऐसे खींच के, और एक क्लिक हम लोग यहाँ पर करेंगे ऐसे करके, तो हम लोगों ने ऐसा ड्रॉ किया। देखिए ये था पेन टूल का काम। और फॉर एग्जांपल पेन टूल से हम लोग ऐसे कुछ बनाएंगे, जैसे कि देखिए ऐसा करके फिर ऐसे करके। ऐसा एक शेप हम लोग बना सकते हैं पेन टूल पर। इसके जो ऐसे जैसे मर्जी आपकी शेप बनाओ, तो इस पेन टूल से बहुत इजीली आप शेप बना सकते हैं। इस स्मार्ट फिल टूल पर, स्मार्ट फिल टूल का काम क्या है कि हम लोगों ने ऐसा ये ड्रॉ किया है, इसके यहाँ से कलर कलर नॉन करते हैं, और इस टूल पे जाके यहाँ से हम लोग इसके लिए जो भी कलर हमें चाहिए उसको सेलेक्ट करके और इसके ऊपर क्लिक करके ये फेल हो जाता है फेल करने के बाद। और उसके बाद ये हमारा रेक्टेंगल टूल है, जिससे हम लोग रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज हमारा आज का ट्यूटोरियल, बेसिक ट्यूटोरियल पार्ट वन पे। और ये बाकी ट्यूटोरियल को आपको लोगों को पार्ट टू में हम लोग दिखाएंगे। तो हमारे बाकी ट्यूटोरियल के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।